और आई गैस सो अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से आप लोग एक सर्वर नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड की मदद से एक माई सीक्वल डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हो। आज का ये जो वीडियो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, नई टेबल बनाना सीखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम इस चीज़ को आगे ले जा सकते हैं। तो गैस यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपना इंडेक्स ऑफ CWHPHP, इसको खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, खुल नहीं रहा है। क्यों नहीं खुल रहा है? क्योंकि जैम स्टार्ट नहीं है। तो जैम का पर्टिकुलरली अपाचे सर्वर जो है वो मुझे स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। और मैं यहाँ करूँगा क्या कि 25th एक बनाऊँगा फाइल और उसमें मैं लिखूँगा माई सीक्वल क्रिएट DB, ठीक है, .php। चलो बढ़िया। तो मैंने अपने 24th वीडियो में आप लोगों को क्या बताया था, मैंने अपने 24th वीडियो में आप लोगों को बताया था कि किस तरह से डेटाबेस को कनेक्ट किया जाता है। तो वो चीज़ जो है मैं एकदम यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करूँगा, ठीक है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये उसी वीडियो तक मैं रहने दूँगा, ज़्यादा बिल्कुल भी आप लोगों को मैं कोड को क्लटर नहीं करूँगा। यहाँ पर मैंने इसको एको भी हटा देना है, इसका भी मुझे कोई ज़रूरत लगती नहीं है। सेव किया मैंने और सेव करने के बाद सर्वर नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड, ये तीन चीज़ें मैंने लेके अपने डेटाबेस से मैं कनेक्ट हुआ। और मैं अगर आप लोगों को दिखाऊँ अभी 25th वाला ये जो मेरा माई सीक्वल क्रिएट DBPHP कह रहा नहीं हो पा रहा है क्योंकि मुझे माई सीक्वल भी स्टार्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं माई सीक्वल से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बिल्कुल भी गलती आप लोग ना करें, ठीक है। इसको रिलोड करता हूँ, कनेक्शन वो सक्सेसफुल आ गया है, बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि नया डेटाबेस बनाऊँगा, कि डेटाबेस किस तरह बनाया जाता है ये आप लोगों को बताऊँगा। तो हम लोगों ने ऑलरेडी बात करी है कि अगर हम लोग यहाँ पर PHP MyAdmin में जाएँ तो यहाँ पर हम एक नया डेटाबेस जो है वो बना सकते हैं। और यहाँ पर हैरी नाम का एक ऑलरेडी मैंने डेटाबेस बनाया हुआ है, जिससे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें एक टेबल भी हमने बनाई एम्प्लॉइज़। अब अगर मान लो मैं Harry2 नाम का एक डेटाबेस बनाना चाहता हूँ प्रोग्रामेटिकली, यानी कि यूजिंग हमारी PHP स्क्रिप्ट, तो वो मैं कैसे बनाऊँगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्रिएट अ DB बनाया, लिखा यहाँ पर, और उसके बाद मैं सबसे पहले क्या करूँगा, लिखूँगा SQL इज इक्वल टू, ठीक है। अब इस चीज़ को थोड़ा समझ लेते हैं कि यहाँ पर मैं करने क्या वाला हूँ। मैं क्या करूँगा, अपनी SQL क्वेरी रन करूँगा। देखो यहाँ पर हम जो भी काम कर रहे हैं वो जादू नहीं है, जो बेसिक्स हैं वो सेम रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं कोई जादू करके और डेटाबेस बना दूँगा। होगा क्या कि एक SQL क्वेरी मैं एग्जीक्यूट करूँगा यहाँ पर, और ये जो SQL क्वेरी है, कभी आप अपने कंप्यूटर में यानी कि वर्चुअल कंप्यूटर में अगर आप कभी सर्वर वगैरह बना रहे हो तो उस सर्वर वगैरह में भी आप लोग जो है जाकर SQL क्वेरी को रन कर सकते हो। और यहाँ पर भी PHP MyAdmin की मदद से आप लोग SQL क्वेरी को रन कर सकते हो। तो डेटाबेस बनाने के लिए क्या SQL क्वेरी होती है, क्रिएट, और उसके बाद होती है डेटाबेस, और उसके बाद आप लोगों को डेटाबेस का नाम रख देना है, ठीक है। तो मान लो मैं DB Harry नाम का डेटाबेस यहाँ पर बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्रिएट डेटाबेस DB Harry लिखकर गो पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखो DB Harry नाम का एक डेटाबेस बन गया है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर मकसद ये होने वाला है कि मुझे ये क्वेरी क्रिएट डेटाबेस और DB Harry 2 रख देता हूँ इसका नाम, क्योंकि ऑलरेडी DB Harry एग्जिस्ट करता है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि एक DB Harry 2 नाम का डेटाबेस बने तो मुझे इस SQL क्वेरी को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। मैंने अभी तक इस क्वेरी को एग्जीक्यूट नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा देखो भाई ऐसा है, क्वेरी को एग्जीक्यूट करो। तो मैं कहूँगा क्वेरी और उसके बाद लिख दूंगा $SQL। इससे क्या होगा, मेरी क्वेरी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ इतना करूँ तो क्या होगा, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। इसको अगर मैं जैसे रिफ़्रेश करूँगा, देखो अभी इसको मैंने रिफ़्रेश किया, यहाँ पर DB Harry 2 नाम का कुछ नहीं है। इसको मैंने रिफ़्रेश किया, ओके, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कह रहा है कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन क्वेरी। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि क्वेरी नाम का कोई फंक्शन नहीं है सर जी, आपने ये क्या किया, क्वेरी नाम का फंक्शन तो मौजूद ही नहीं है। तो यहाँ पर MySQLi_query होता है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, गलती कर दी है। तो MySQLi_query होता है, फंक्शन इज़ नॉट क्वेरी, MySQLi_query होता है। रिलोड किया इसको और यहाँ पर कह रहा है एक्सपेक्ट एटलीस्ट 2 पैरामीटर्स, ओके। तो ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट भी लेता है, तो इस तरह की गलतियाँ मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहती हैं सब चीज़ें। और आप लोग जो है MySQL की डॉक्यूमेंटेशन को या फिर किसी भी एक रेफरेंस को ऑनलाइन देख सकते हैं, लेकिन MySQLi_query का पहला आर्ग्यूमेंट है कॉन और दूसरा है $SQL।
यहाँ पर मैं बिना देखे इसको कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मोस्टली ये सब चीज़ें याद ही रह जाती हैं। तो मैं रिलोड करूँ तो देखो यहाँ पर डी बी हैरी टू नाम का यहाँ पर बन गया है। मैं वापस से इसको चलाऊँ अगर, तो यहाँ पर देखो डी बी हैरी टू क्योंकि बना हुआ था इसलिए डी बी हैरी टू जो है यहाँ पर रहेगा। अगर मैं इसको डी बी हैरी थ्री कर दूँ तो एक और डेटा बेस बन जाएगा। सेव किया, रिलोड किया, रिलोड किया, ये देखो डी बी हैरी थ्री बन गया। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमको सीक्वल क्वेरी रन करनी पड़ती है। वो सीक्वल क्वेरी जो हमारा पीएचपी है वो लेकर जाता है हमारे माई सीक्वल डेटाबेस में, कहता है कि भाई ये क्वेरी है, ज़रा इसको एग्जीक्यूट तो कर दे भाई। जो आपका माई सीक्वल है वो कहता है कि देख भाई ऐसा है, तूने जो क्वेरी दी है उसको मैं रन करता हूँ और रन करके तेरे को बताता हूँ कि क्या रिजल्ट है। अब यहाँ पर ये जो हमारा माई सीक्वल आई अंडरस्कोर क्वेरी है उसके अंदर आएगा रिजल्ट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ एको रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट की स्पेलिंग मैंने ज़रा गलत लिख दी यहाँ पर। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जैसे इसको रिलोड करूँगा, मैंने एको किया रिजल्ट डॉलर रिजल्ट, और यहाँ पर रिजल्ट के अंदर कोई भी चीज़ जो है वो नहीं आई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है, एको द रिजल्ट इज़ लिख के देखता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर कहानी ये है कि जो माई सीक्वल आई होता है वो फॉल्स करता है अगर फेल हो जाए और ट्रू रिटर्न करता है अगर क्वेरी जो है सक्सेसफुली रन हो जाए। तो मेरी गलती यहाँ पर ये है कि मुझे वैर डम्प का यूज़ करना चाहिए यहाँ पर, और वैर डम्प रिज़ल्ट मुझे करना चाहिए कुछ इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, द रिज़ल्ट इज़ लिखा और उसके बाद वैर डम्प रिज़ल्ट कर दिया। तो देखो रिलोड करूँगा अभी तो देखो बूल फॉल्स आ रहा है, और द रिज़ल्ट इज़, और उसके बाद मुझे यहाँ पर एक दूसरा एको यूज़ करना पड़ेगा, और उसी के साथ साथ एक बी आर भी लगा लेते हैं, और इसको मैं रिलोड करूँगा। तो ये देखो द रिज़ल्ट इज़ फॉल्स आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी जो डेटाबेस है वो बना लिया था अभी मैंने। डी बी हैरी फाइव अगर मैं करूँ तो यहाँ पर देखो बूल ट्रू आ रहा है, वापस से रिलोड करूँ तो फॉल्स आएगा क्योंकि ये बन चुका है। तो जब जब ये फेल होगी क्वेरी मेरी तब तक ये क्या करेगा, मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा, वरना ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं यहाँ पर एक कोड लिखूंगा जो कि क्या करेगा, मेरे लिए थोड़ा सा आसान बनाएगा इस चीज़ को। मैं यहाँ पर ये जो कनेक्शन डाई वाला है इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ कि ये कनेक्शन से रिलेटेड है। और अब यहाँ पर मैंने क्रिएट किया डेटाबेस, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा चेक फॉर द डेटाबेस क्रिएशन सक्सेस, ठीक है, कि जो हमारा डेटाबेस का क्रिएशन था वो सक्सेसफुल रहा कि नहीं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ़, और यहाँ पर लिखूँगा डॉलर रिजल्ट, और मैं यहाँ पर लिखूँगा अगर वो ट्रू है तो क्या होगा, तब मैं करूँगा एको द डी बी वॉज क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और वरना क्या होगा, वरना मैं बोलूँगा तो डी बी वॉज नॉट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ मैं, और यहाँ पर एल्स लगा लेता हूँ, और मैं लिखूंगा यहाँ पर डी बी वॉज नॉट क्रिएटेड सक्सेसफुली, वॉज नॉट क्रिएटेड। तो अगर डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा तो ये आएगा, वरना नॉट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर नॉट सक्सेसफुली बिकॉज ऑफ दिस एरर, जो एरर है वो आता है हमारा माई सीक्वल आई अंडरस्कोर एरर के अंदर, ठीक है। तो माई सीक्वल आई अंडरस्कोर एरर जो है वो आपको, उसको आपको कौन देना पड़ेगा, और वो आपको देगा एरर। तो यहाँ पर देखो इसको मैं रिलोड करूँगा तो ये कह रहा है कि कैन नॉट क्रिएट डेटाबेस, डी बी हैरी फाइव डेटाबेस एग्जिस्ट ऑलरेडी, ठीक है। सिक्स अगर मैं कर दूँ यहाँ पर तो शायद वो बन जाए। तो मैं इस तरह से कितने भी डेटाबेस बना सकता हूँ, यहाँ पर देखो मैं सिक्स कर दूँ अगर तो डी बी वॉज क्रिएटेड सक्सेसफुली, फिर से रिलोड करूँगा तो ये कह रहा है डी बी वॉज नॉट क्रिएटेड सक्सेसफुली बिकॉज ऑफ दिस एरर, ठीक है। इस कोड को थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर बी आर लगा दूंगा, फिर हमको अगर एरर भी मिलता है ना तो वो नीचे आएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमको दिखाई देगा तो शायद आप लोगों को ये चीज़ इजीली दिखाई दे, समझ में आए। सो गाइस ये था तरीका डेटाबेस को बनाने का। हम लोग डेटाबेस को अगर डिलीट करना चाहें तो यहाँ पर डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं, मैं आप लोग को दिखाता हूँ कैसे। क्योंकि ये मैंने यहाँ पर बहुत सारे डेटाबेसेस बना दिए, 5 6 7, तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैं PHP MyAdmin के होम में आऊँगा और डेटाबेसेस में आऊँगा,
और ये सारे डेटाबेसेस चेक करके इनको डिलीट कर दूंगा। देखो मैं यहाँ पर टिक कर रहा हूँ और यहाँ पर टिक करके इनको मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि मुझे चाहिए नहीं अभी, ठीक है। तो मैं जूम आउट कर लेता हूँ, रिसेट कर लेता हूँ उसको, और आप ड्रॉप पे क्लिक करें और यहाँ पर ओके कर दें, आपके 6 डेटाबेस ड्रॉप हो चुके हैं। अब रिलोड करोगे तो ये यहाँ पर नहीं है, तो फालतू का जो कबाड़ा है वो रखने से अच्छा है कि हम इसको डिलीट ही कर दें। सो आई होप कि आपको भी समझ में आ गया होगा, आपको ये फ्लो समझ में आया होगा कि जो सीक्वल क्वेरी होती है वो यहाँ पर आती है और उसके बाद हम लोग इसको जो है एग्जीक्यूट करवाते हैं। सो अगर आप लोगों को गाइस ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, और लाइक ज़रूर कर दिया करो। आई नो कि आप लोग थोड़े बिजी हैं, आप लोग जो है थोड़ा सा टाइम बचाते हैं, लेकिन अगर आप लोग एक लाइक कर देंगे तो मुझे नहीं लगता उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी के लिए गाइस इस वीडियो में इतना ही। जब आप लोग लाइक करते हैं तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और यूट्यूब को पता चलता है कि ये वीडियोस अच्छे हैं और वो आगे इन वीडियोस को पुश करता है, तो इसलिए इनको लाइक ज़रूर कर दिया करो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।